जय गुरु। चलिए आज श्री श्री ठाकुर जी के बोले हुए कुछ वाणी सुनते हैं। सम्मान को दाबी मत करो, सेवा से संरक्षण से परिपोषण तथा परिपूरण से साधन के गौरव को बढ़ा लो। सम्मान स्वयं प्रतिष्ठा सहित तुम्हारी अभ्यर्थना करेगा ही, किंतु अव्यवस्थित मत हो, अज्ञान मत बनो, स्वभाव पहचान कर विश्वास करो। सनातन को भंग मत करो, उससे मंजो घसो और ग्लानि को दूर करो, न्याय करके उसे ऊपर उठाओ, इससे संवर्धना सार्थक होगी, अन्यथा नष्ट अवश्यंभावी है। यदि भंग ही करना है तो उसे ही भंग करो जो आदर्श विरोधी है। सत्ता संवर्धना का प्रतिकूल है और उसी का निर्माण करोगे, उसी को मंजोगे, उसी की ग्लानि दूर करोगे। जो सत्ता संवर्धना का परिपोषक है, इष्ट अनुसरणकारी, आदर्श प्रतिष्ठाकारी और वैशिष्ट्य का परिवर्धक है, निस्संदेह शुभ संचार का विनाश का परिहार कर वृद्धि प्राप्त करोगे। भक्त बनो, भक्त बनो, भक्ति होने का लोभ से नहीं वरुण वांछित के लोभ से। भक्ति को व्यभिचारिणी मत करो, अपने वांछित को केंद्र करो, उन्हीं में दुनिया के सब कुछ का उपभोग करो, प्रज्ञा तथा प्रेम से सार्थक होगे, मुक्त हो प्रभुति के प्रलोभन से, दायित्व को वर्जित करने के लिए नहीं, जिसे त्याग करना चाहो उसे एक झटके में छिन्न कर दो। धीरे धीरे त्याग प्राण निरर्थक अभ्यास का प्रतिपोषक है। यदि भोग ही करना चाहो, सतर्क रहो, देखना तुम भोग के ही उपभोग सामग्री नहीं हो उठो। सत्ता और स्वास्थ्य को मत खोना, व्यक्तित्व तथा ज्ञान में प्रवीण हो किंतु स्थूल नहीं होना। किसी को कुछ कहने के पहले अपने और ध्यान से देखो, जो कहने जा रहे हो वो तुम्हारे अपने भीतर प्रस्फुटित हो या नहीं। यदि वो ऐसा है, उसे अपने स्वार्थ संलग्न करके ही कहोगे और अपने आचरण को भी साथ साथ संशोधन कर लो, जिसे तुम्हें देखकर उनका भी संशोधन होगा, तुम भी संशोधित होगे। तुम्हारा पारिपार्श्विक जितना प्रतिपादन करे उतना ही अच्छा है। जहाँ मुक रहना ही अच्छा है रहो, किंतु अज्ञान मत बनो और निंदित को भी विस्तार लाभ नहीं करने देना, चाहे जिस कौशल से या कर सको। विचार विवेचन करो, झलका करो, भरोसा दो अच्छे के लिए, किंतु भरोसा देकर मनोरथ विफल मत करो, पीछे हट नहीं जाना। भरोसा तुम्हारे निकट दीप्तिमान होकर रहेगा। मन को हटाकर सक्रिय भाव से किसी अच्छाई में नियुक्त करो। काम या और कोई रिपु स्वयं भाग जाएगा। अहंकार बस नरक को स्वर्ग मत समझो, अहं शैतानी बुद्धि है। अवस्था समझकर मांगना, अभाव समझकर देना। मांगने के लिए उत्साह सहित उद्भुत करके मांगो और देने के लिए अभाव में, अवसाद में, क्लेश में जहाँ जैसा प्रयोजन हो दो। प्रेरणा ही यदि चाहो, श्रेय से प्रेरित हो, समस्त अंतकरण से, सेवा से, सक्रियता से, सार्थक उन्मत्तता से। जिनके कहने और करने में स्थिरता नहीं है, जो सेवा में उन्मुख नहीं है, उनके ऊपर निर्भर करना उचित नहीं है। उन्हें यदि व्यवहार कर सको, जहाँ जैसा आवश्यकता है व्यवहार करो। कोई ख्याति नहीं यदि तुम छोटे हो, किंतु पवित्र रहो,
छोटे का बड़ों के प्रति श्रद्धा उसे बढ़ा कर दे सकते हैं, किंतु जो अपवित्र ही रह जाता है उसका बड़ा होना दुष्कर है। सर्वदा इसी प्रकार से लक्ष्य रख कर चलो, जिससे तुम्हारी बातें या चाल चलन सब समय सभी ओर से मूल उद्देश्य वो आदर्श का समर्थन करे, नहीं तो ठगे जाओगे। विच्छिन्नता से तुम्हें अव्यवस्थित होना होगा ही। भिक्षा लोभी मत हो, भिक्षा व्यवसायी भी नहीं होना, भिक्षा अपने परीक्षण नियंत्रण समावेश तथा संस्कृति के लिए है। सेवाचर्या के माध्यम से वाक्य से व्यवहार से सहानुभूति से दाता और ग्रहिता दोनों को ही वास्तव कर्षण से समृद्ध तथा संवर्धित करने के लिए है। सामान्य विषय में कोई मनुष्य जब असंत हो जाता है उसके उसी समय के आचार व्यवहार को देखकर ही समझा जा सकता है वो प्रकृतिगत कैसा है। विवेचन करके चलो, ठगाने से बच जाओगे। अपनी भूल के लिए तुम स्वयं दोषी हो, दूसरा नहीं। तुम्हारे भूल दूसरों को क्षतिग्रस्त नहीं करे। यदि क्षति हो गया है तो उसका क्षतिपूर्ति करो, अन्यथा स्वभाव का अभिशाप तुम्हें निश्चय ही रिहा नहीं करेगा। अपने को पाप में व्यय नहीं कर दो, पुण्य से प्रदीप्त हो और अपनी सुबुद्धि तथा चातुर्य से जहाँ जिस फायदे से जहाँ जिस कायदे से जिस प्रकार हो सभी को प्रदीप्त कर दो, वो प्रकाश तुम्हें भी उद्भवन से दीप्त कर देगा। जीवन में वज्र के सम्मान अव्यर्थ हो, वशिष्ठ के अनुसरणकारी सता संबोधनी कुष्टि को जो व्याहत करे उसे निरत करने के लिए पुण्य के समान महान हो उठो, प्रेम के समान कोमल हो उठो। व्यष्टि और समष्टि को ऊर्ध्वगामी करके कथनी करनी में ऐसा व्यवहार नहीं करना जो प्रतिक्रिया बस आतताई के समान स्वयं को आक्रमण करता है। वृत्ति की नशा तथा वांछित के लिए अनुराग के बीच मिले मिलाप कर मत चलो। विकृत चलन तुम्हें विचलित नहीं करेगा। चेष्टाहीन व्यक्तियों का कल्याण अवसादग्रस्त होता है। यथोचित चेष्टा करो, कल्याण को अधिकृत करो, उसका उपभोग करो। अज्ञानत को ज्ञानवान के जैसा परिवेशन मत करो। अद्भुत बहादुरी के प्रलोभन से दूसरे का अमंगल के ग्रास में डालने से तुम्हारा यही लाभ होगा। सर्वनाश तुम्हारे निकट नीलज होकर आएगा और तुम्हारा ध्वंस अनिवार्य हो उठेगा। प्रभाव सार्थक हो किंतु पराक्रम जैसे ज्वालामय प्रखर नहीं हो। मनुष्य शांति पाएगा, दीप्त होगा, उपभोग और आनंद से स्वयं भी सार्थक होगा। मनुष्य को समर्थन कर, उत्तोलित कर, संशय से विस्मित मत करो। जिसका जैसा वैशिष्ट्य है उसे उसी प्रकार से आदर्श में सचल और वेगवान करो, श्रेष्ठतमय आदर्श में सचल और वेगवान करो, श्रेष्ठतमय उद्यमान कर रखो। अपने चरित्र और वार्तालाप में उसी चलन से चलो, मंगल का अधिकारी होकर तृप्त होगे। यदि समर्थ हो कुचित या बुरे को निराश मत करो, आशा दो, श्रेष्ठता में सुशृंखल स्वभाव से स्थापित करो।
जिससे लोग और समाज सफलता से वृद्धि का और चल सके। जय गुरु।